नमस्कार, आज हम कुर्ते के लिए डिज़ाइनर बटन पट्टी बनाने वाले हैं। जो मैंने बटन पट्टी कट कर ली है, इसे मैंने ये 1 इंच अंदर की साइड जाएगा और ये 1 इंच बाहर आएगा, तो इसलिए इसको मैंने 1 इंच की निशानी लगा दी है, बड़ी सिलाई लगा दी है, ताकि हमें ध्यान से इसे देखने को मिले। तो हम अब डिज़ाइनर मशीन हमने ले लिया है, ब्रदर का डिज़ाइनर मशीन ले लिया है हमने। इस पर सेट कर दिया है 18 नंबर की सिलाई। इस सिलाई को हमें इसके ऊपर डिज़ाइन करना है। तो ये मशीन को इस नाक की वो सिलाई जो टाँके दिख रहे हैं उसके ऊपर सेट करना है और हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। मैंने ऊपर का धागा एम्ब्रॉयडरी का लिया है और नीचे वाइट कलर का धागा ले लिया है। तो अब हमें इसे स्टार्ट करना है। ये हमने दूसरी डिज़ाइन का पैटर्न लिया है, इसके आगे हमें इसे जाने देना है। नमस्कार, आज हम सीखेंगे शेरवानी किस तरह से बनती है, तो उसकी जो बटन पट्टी है वो किस तरह से बनती है। तो ये हमारा कपड़ा था, इस कपड़े में हमें कपड़ा कम पड़ता था हमारा कपड़ा, पर हमें शेरवानी ही बनानी थी। तो हमने क्या किया है, तो ये हमारी शेरवानी तो बन चुकी है, लेकिन उसमें जो बटन पट्टी लगती है वो कपड़ा हमारा कम था। तो हमने क्या किया, अलग से कपड़ा लिया है और उसे बिठाया है। तो किस तरह से बिठाया है, तो इस तरह से हमने इसे बिठाया है। कपड़ा हमने ज़्यादा ले लिया और यहाँ से एक सिलाई लगा के इसे यहाँ मोड़ दिया, तो ये अंदर जाने वाली बटन पट्टी हमारी बन गई। और जो बाहर आने वाली बटन पट्टी होती है उसे हमने एम्ब्रॉयडरी करवा ली है। जो हमारे पास मशीन था तो उस मशीन से हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप, छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी दिखाई दे रही है, तो हमने वो एम्ब्रॉयडरी का पट्टा बना लिया है पूरा। और उस पट्टे को हमने इस कपड़े के ऊपर बिठा लिया है। तो सबसे पहले अंदर से हमने सिलाई लगाई, उल्टा रख के सिलाई लगाई, उसकी सिलाई लगाई, फिर एक फैशन सिलाई लगाई जो आप देख सकते हैं यहाँ पे फैशन सिलाई है, जिससे हमारा कपड़ा मुड़े नहीं, इसलिए हमने फैशन सिलाई लगाई। और अब हम इसे पैटर्न बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, इस तरीके से बाहर आएगा, तो इस तरह से हमारा ये कपड़ा अंदर चला जाएगा, इस तरह से सिलाई होगी। तो ये हमारी बटन पट्टी एकदम अट्रैक्टिव दिखेगी और ट्रेडिशनल भी उसकी लुक आएगा। तो इस तरह से हमने हमारी शेरवानी को पैटर्न बनाया है।